19वीं सदी के शुरुआत की बात है। भारत के अछूत जातियों में से एक जाति महार, जिसके खिलाफ पेशवाओं ने मार्शल लॉ लगाया था कि इनके कमर में झाड़ू और गले में मटका बांध दिया जाए। दरअसल ये अशोक काल में हुई ब्राह्मणों की निर्भत्सना का नागवंशियों के खिलाफ प्रतिशोध था। वैसे तो महार जाति अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन जब संसाधन ही छीन लिए जाते हैं तो कोई भी विकलांग हो सकता है। बहरहाल महार अपनी खोई प्रतिष्ठा और अस्मिता को संरक्षित करने की मंशा में थे, और अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की जुगत में। ऐसे में अंग्रेजों की नजर महारों पर टिकी, जो कद काठी में मजबूत और निडर वृत्ति के थे। अंग्रेजों ने ब्रिटिश भारत की सेना में महारों के लिए दरवाजे खोल दिए और उन्हें फौजी शिक्षा भी दी। अंग्रेजों को पेशवाओं की सल्तनत खत्म कर वहां ब्रिटिश राज कायम करना था। तैयारी शुरू हुई पेशवाओं पर आक्रमण करने की। महारों के सरदार सेनापति सिद्धनाथ के कानों पर यह खबर पड़ी तो वे स्वयं बाजीराव पेशवा से मिलने गए। पेशवा बाजीराव से सिद्धनाथ ने कहा, अंग्रेजों की तरफ से लड़ने की हम अछूतों की कोई इच्छा नहीं, और यह हमें पसंद भी नहीं। यदि हम तुम्हारी ओर से लड़कर अंग्रेजों को यहां से भगा दें, और यदि हम ऐसा कर लें, तो तुम्हारे राज्य में, तुम्हारी सेना में हमारा स्थान क्या होगा। पेशवा बाजीराव ने सिद्धनाथ के इस प्रस्ताव की अवहेलना की और कहा, सुई की नोक पर थर्राते हुए ठहरे धूल के कण जितना स्थान भी तुम महारों के लिए हमारे पास नहीं है। तुम लोग हमारे पैरों की धूल हो और वही बने रहोगे। चतुर्वर्ण व्यवस्था ने तुम महारों के लिए जो नियम बनाए हैं, उनमें थोड़ा भी बदलाव नहीं होगा। तुम नीच हो, नीच ही रहोगे। पेशवा के जवाब से सिद्धनाथ ठिठुर गए, उनका खून खौलने लगा और वे गरज पड़े, हम आज तक तुम्हारे अन्याय अत्याचार सहते रहे, लेकिन अब तुमने स्वयं ही अपनी मृत्यु रेखा खींच ली है। महारों ने शस्त्र उठा लिए हैं, अब ये उच्च वर्णीय मगरूरी मिट्टी में मिल जाएगी। युद्ध की भाषा हमसे ना करो, इसी माटी में जन्म हुआ है हमारा और यहीं पले बढ़े हैं हम। इस मिट्टी की लाज अब ना लूटेगी। अपने न्याय हकों के लिए युद्ध करना कोई पाप नहीं, ये ही युद्ध की अंतिम घोषणा है। और इस ऐलान के साथ सिद्धनाथ वहां से निकल गए। दरअसल पेशवाओं के अत्याचार से महार समुदाय त्रस्त हो गया था और स्वाभिमानी जीवन जीने के लिए युद्ध का रास्ता उसे जचने लगा। अब ब्रिटिश आर्मी का वो हिस्सा थे और पेशवा के आह्वान से चिंगारी और भड़की। जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, जहां सहन शक्ति खत्म हो जाती है वहीं क्रांति का जन्म होता है। महारों ने सदियों से चले आ रहे अपने अपमान का बदला लेने पेशवाई के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका और आधुनिक भारत में समतामूलक समाज निर्माण के नए इतिहास पर्व की शुरुआत हुई। भीमा नदी के किनारे बसे कोरे गांव की ये बात है। 1 जनवरी 1818, मुंबई के नेटिव इन्फेंट्री के 500 जवान, जो सभी महार जाति से थे, 250 घुड़सवार और 2 तोपे, कैप्टन स्टॉटन का नेतृत्व और सामने पेशवा के 25,000 से भी ज्यादा पैदल सैनिक और 3,000 घुड़सवार। इनका सामना होने से पहले कैप्टन स्टॉटन 25 मील पैदल चलकर 1 जनवरी 1818 की सुबह कोरेगांव पहुंचे थे। जवान थके हुए थे और युद्ध शुरू हुआ। महार सेना का नेतृत्व रत्नाक, जतनाक और भीकनाक कर रहे थे। एक दिन एक रात ये युद्ध चला और देखते ही देखते पेशवा के 25,000 सैनिकों का धुआं उड़ गया। 500 महार सैनिकों के सामने पेशवा की विशाल सेना बौनी साबित हुई।
इसमें अंग्रेजी सेना के 276 लोग गिरे। लड़ाई के धरातल पर महारों का सामर्थ्य किस स्तर का है, ये बात पूरी दुनिया ने देखी और इतिहास इस घटना से गौरवान्वित हुआ। युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए सैनिकों की शौर्य गाथा दुनिया के इतिहास में अमर हुई, जो भीमा कोरेगांव के इस 75 फीट ऊंचे विजय स्तंभ पर दर्ज है। इस क्रांति स्तंभ विजय स्तंभ को सैल्यूट करने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हर साल 1 जनवरी को यहां जरूर आते थे।